अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? और भाई कैसा गुजर रहा है आज का दिन? आज बड़ी देर से मैंने अस्सलामुअलैकुम के लिए मोबाइल उठाया क्योंकि बात ये है भाई, बड़ी देर हो रही थी आज। जी बेटा, कपड़े वपड़े धोने थे, पूरी लॉन्ड्री मैंने लगा रखी है और धोबी घाट सारा बना हुआ था घर, धोबी घाट को पूरा धोया है। ओ माई गॉड, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़े से कपड़े जल्दी सो जाएंगे आधे घंटे में, मगर नहीं भाई नहीं, इतने सारे मैंने कपड़े धोए हैं और अभी धोने के बाद वाइंड अप करने के बाद मुझे चीज़ें याद आई हैं। देखें टू लिटिल गर्ल्स आता आता, तो भाई क्या हुआ, बहुत धोने के बाद मुझे याद आया भाई यार दो चार चीज़ें तो और इम्पोर्टेंट मुझे धोनी थी, वो तो रह ही गई। उफ मेरे अल्लाह, मुझे अगले हफ्ते तक वेट करना, क्योंकि मैं तो एक हफ्ते में एक दफ़ा मशीन लगाती हूँ, अगर दो दफ़ा मशीन लगाऊँ तो इंसान दो दिन बहुत शदीद बिजी रहता है। नहीं मैं दो दफ़ा नहीं लगा सकती, वीक में मैं एक दफ़ा ही लगाऊँगी बस। तो बस जल्दी से कामों को करते हैं स्टार्ट, और काम तो शुरू हो चुके हैं, अब कामों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, किचन की जानिब जाते हैं, रेसिपी को रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट से काम करेंगे और रोजे का टाइम बड़ा नज़दीक आ चुका है और अब इसको कोई बात करनी है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बहुत दावा देंगे, अम्मी को बहुत प्यार, और जिम्मी भी हमें प्यार, चैनल को बहुत प्यार। ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं। जी तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन बिरयानी। तो इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, सेम वही प्रोसेस से बनेगी जिससे मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी, बस इसमें मीट का चेंज है। तो जी इसमें मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन, 6 मेरे पास टमाटोज थे, इसको मैंने प्यूरी बना लिए, अबरे तो जी बताने लगी थी मैं आपको, और इसमें एक है तेज़पत्ता, 2 सिनेमन स्टिक हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का छोटा सा फूल है और 4 लौंगे हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्चें हैं और इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिलीव मी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बिरयानी की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अनियंस को गोल्डन करूँगी, लाइट गोल्डन ब्राउन, इसमें मैं ना कड़ी पत्ता डाल दूँगी साथ ही साथ में, फिर ये सारे गरम मसालों को मैं इसके साथ फ्राई करूँगी, फिर टमाटर डालूँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाती हूँ। तो अनियन देखें सौते नहीं बल्कि अच्छी सी गोल्डन होने लग रही हैं, काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुकी, बस इतनी हल्की रखूँगी मैं, ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी, मसाला ना ज़्यादा गोल्डन करने से ना डार्क हो जाता है। तो बस ये हो गई अनियन मेरी इतनी डन, इसमें मैं डाल दूँगी ये सारे साबुत मसाले, थोड़ी सी अनियन मैंने रखी इसमें बचा के। तो मैंने डाल दिए सारे साबुत मसाले, इसमें गरम मसाला पूरा साबुत, इसको थोड़ा सा मैंने सौते किया और साथ ही मैंने डाल दिए इसमें चिकन और इसको मैंने करना है फ्राई इसके साथ। तो जी हो गई है, चले जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी, अबरे स्टॉप थोड़ा आहिस्ता। तो भाई टमाटरों की जो मैंने प्यूरी बनाई थी उतना ही पानी काफ़ी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि चिकन तो वैसे ही बड़ी मासूम होती है, मिनटों में गल जाती है और फिर ये टांग जो है ना हड्डी बोटी बिल्कुल अलग कर देती है अपने पास से। तो मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी, टमाटरों का अपना पानी है, इसी के अंदर चिकन कुक हो जाए, इसको मसाले को भूनेंगे और चावल को फिर बॉयल करेंगे, दम लगाएंगे, सब आपके सामने करती हूँ। इतने मैं जाती हूँ, बच्चों को वॉश कराती हूँ, नहवाती हूँ, धुलाती हूँ, फिर आती हूँ आपके सामने। जाइए जमा अवरेश, कपड़े दिखाएं अपने सबको, जल्दी से आ जाइए, आइए भाग के आइए मेरे पास। हाँ सलाम करें अवरेश, और कैसा रोज़ है आप सबका? सीधी खड़े जाओ, देखें आप इधर आए, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम चैनल को बहुत बहुत प्यार। अच्छा एक जैसे कपड़े दिखाओ दोनों अपने। हाँ भाई जमाल अवरेश पढ़ रही थी अपना, खेल भी रही थी, एक जैसे सेम कपड़े आज मैंने पहनाए, निन्ना ने सीखे दिए थे, जानू देखो दिखा दो यार दोनों प्लीज़, एक साथ खड़ी हो, बहन के साथ खड़ी हो जाओ, एक मिनट के लिए खड़ी हो जाओ मेरा बच्चा। जमी आप बच्चों के साथ खड़ी हो, कपड़े दिखाओ, निन्ना के कपड़े दिखाओ। नहीं भाई नहीं, दिखाने के मूड में ही नहीं है जमल तो। और जी मैंने कपड़े वपड़े धो लिए हैं, एज़ यू नो भाई आज तो दिन होता है कपड़े धोने का, अब फैलाने लगी थी मैं कपड़े, फिर चेंज वेंज करूँगी। वाह व्हाट अ लवली व्यू, बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है यार यहाँ से दूर दूर तक हैदरी। अगर मैं किसी को बोलूँ कि कायदे आज़म का मज़ार का गुंबद भी नज़र आता है तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसकी भी एक स्टोरी सुनाऊँगी। मैं ज़रा चेंज वेंज करके अपना अपने आप को सीट सेट कर लूँ,
फिर सुनाती हूँ। मैं कायदे आज़म गुंबद की ना एक स्टोरी अदील के साथ मैंने किया था, इन्होंने बहुत हंसे मेरे ऊपर। चले मैं बताऊँगी, ज़रा चेंज वेंज करके आती हूँ मैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, अब मैं आ गई हूँ किचन में। बिरयानी को दिखाती हूँ, मसाला भुन रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं रख देती हूँ चावलों का ना पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज फिर इफ्तारी करने का ज़्यादा बिल्कुल किसी का मूड नहीं है। पकौड़े समोसे सबका दिल भर चुका है, तो अब बस थोड़ी देर के बाद तक खाना ही खा लेंगे। चावल वगैरह मैं दम इसलिए कर दूँगी अभी, क्योंकि एज यू नो गैस, इसलिए हम अभी ही चावलों को दम शम कर देंगे ताकि हो जाइए फटाफट से। मगर फिर भी थोड़े से पकौड़े मैं बनाऊँगी अब रिजमल फ़ौरन से, बच्चे तो खाना पसंद करते हैं, इनके लिए बनाऊँगी फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। ओह माय गॉड, जल्दी में तो ये होता है। अच्छा जी, हम क्या डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे बॉईल करते हुए पानी में, नमक डालेंगे और इलायची डालेंगे। इलायची खुशबू आती है। अच्छा जी, कैमरे को रखना ही पड़ेगा, बगैर रखे काम नहीं चलता। तो भाई एप्रन शेप्रन बांध लेते हैं, एप्रन के बगैर तो गुजारा नहीं होता। आस्तीनों को भी फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये हैं ज़रा रेशमी कपड़े और मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है रेशमी कपड़े पहन के ना चूल्हे के सामने आने से, मगर क्या करें कभी आना भी पड़ जाता है पहन के। इलायची डालते हैं इसमें पानी बॉयल करते हुए, और थोड़ी सी सौंफ डालूँगी मैं, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं, और हाफ टी स्पून के करीब आप सौंफ ऐड कर दें, मुझे आइडिया है। तो बस मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, चम्मच वम्मच मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी सी ली मैंने सौंफ, ये बस थोड़ी सी डालती है, खुशबू आती है इसे। आप लोग ऐड ज़रूर कीजिएगा इसमें, अगर नहीं करते तो कीजिएगा, और करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, पानी आता है बॉयल, जब तक ये बॉयल आए पानी और क्या करना होता है, नमक तो मैं लास्ट में डालूँगी। और जी बताएं, आज तो मौका ही नहीं मिला ना बातें करने का बिल्कुल भी, क्योंकि कभी कभी इतना बिजी दिन होता है यकीन जाने। थोड़ा सा बेसन फेंट लेते हैं पकौड़ों के लिए, आलू के पकौड़े मैं अपने लिए बनाऊँगी, इन लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँगी। अच्छा जी, सारे कटोरियाँ छटोरियाँ सब ख़त्म हो गई है मेरे पास, पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है। कोई बात नहीं, स्टील की प्लेट में ही फेंट लेते हैं थोड़ा सा बेसन एक चम्मच के करीब, क्योंकि मैं ही खाऊँगी आलू के पकौड़े, बच्चे नहीं खाते मेरे आलू के पकौड़े। ये देखें आप ज़रा कितनी कमाल की बात है, मैं खाती हूँ, अदील भी खा लेते हैं। इन लोगों ने फ्रेंच फ्राइज बनाऊँगी आज। ये कैमरा ना अंधेरा कर रहा है ज़रा यार, रोशनी नहीं आ रही है ज़िंदगी में। डन, ओके, कभी रोशनी आ जाती है कभी अंधेरा आ जाता है। चले पानी में जी आ गया है बॉयल, और अब मैं डालूँगी इसमें राइस, पानी फेंकूँगा इसका, पानी फेंक दिया मैंने इसका, और राइस ऐड करते हैं। आधा किलो राइस है मेरे पास, क्योंकि कितने ही बनते हैं मेरे घर में, बिरयानी हो या पुलाव, बस ये आधा किलो की ही मेजरमेंट होती है, दाल चावल में तो इससे भी कम बनते हैं। तो ये हम लोगों के लिए, बच्चे इतना इतना सा खाते हैं खाना, और ये तो उसमें से सादे राइस निकाल के ना अब रिजमल आलू से खाएंगी, ना ये बिरयानी का मसाला खाएं, ना ये बोटी गोश्त चिकन खाएं, बस इसमें से सादे ऊपर से मैं राइस इनके लिए निकालूंगी और ये सिर्फ खाएंगी आलू के साथ। अमेजिंग ना, कितनी अमेजिंग औलाद है, बोटियाँ नहीं खाती हैं ये लोग, कमाल देखे जरा। तो खैर है, मैं भी शिद्दत नहीं करती ज़्यादा, मैं कहती हूँ यार वक्त के साथ खा ही लेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, खा लेते हैं बच्चे। दो हरी मिर्च डाल दूँगी इसके अंदर, खुशबू आती है, और जी हो गया ना, और ये हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। इसमें अभी काटून डालूँगी हरा धनिया पुदीना, वो मैं भूल के ज़रा डालती हूँ। गए हैं दी नीचे बाजरा डालने, ये यहाँ पे मैंने एक सेटअप रखा हुआ है कब्बों के लिए, परिंदों के लिए, तो यहाँ पे ये बाजरा डालते हैं हर रोज़ किसी भी वक्त। चलें तो चलें जी, हरा धनिया पुदीना ऐड करते हैं मसाले में। हरा धनिया पुदीना काट लिया मैंने, और इधर राइस में आ गया बॉयल ज़बरदस्त सा। उसके बाद लगेंगी पकौड़े वकौड़े थोड़े से फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए उस काम में, जब तक ये बिरयानी हो जाए फटाफट से दम बाजी।
अच्छा सा। ओह माय गॉड, चावल बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त। बस आंखें बंद करके बना रहे हैं हम, ये ख़राब नहीं होते। चलो भाई, और जी बताएं कैसा गुजर रहा है दिन आज का, रोज़े कैसे हैं, सबके घरों में सब खैरियत से मज़े में खुशबाश, अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और आफियत के मामले रखे, हर तरह की परेशानियों से हम सबको अल्लाह ताला बचाए। और बस आप लोग हमारे अपने हम सबके मुल्क के लिए बहुत दुआ किया कीजिए, बहुत ज़रूरत है दुआओं की इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके हक में बहुत आसानी करे। बस जल्दी से ये इसमें बॉयल आता है, चावल बॉयल होते हैं और फिर मैं इसमें दम लगाती हूँ और फिर मैं, चलो खैर अभी तो टाइम है, इफ्तारी के सामान के लिए लगती हूँ फटाफट से। चले जी, चावल की दिखा दूँ आपको, चावल की दिखाऊँ कितनी अच्छी कंडीशन है। इसके बाद मैंने केवड़ा डाल दिया, इसमें फूड कलर डाल दिया, अब मैं इसको दूँगी दम। चावल माशाल्लाह से एकदम खिले खिले ज़बरदस्त, बड़े बड़े से माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बस अब मैं इसको दे रही हूँ दम, इसको कवर कर दूँगी कपड़े के साथ, कैप के साथ फटाफट से, और फिर रोज़े की तैयारी करते हैं। जी रोज़े की तैयारी हो गई है, बिरयानी अभी दम पर ही है, थोड़ी देर में इसका चूल्हा ऑफ करूँगी और बाकी सब चीज़ें हो गई हैं सेटल डाउन। अब चलते हैं दुआ मांगने की तरफ, दस्तखान बिछाते हैं। अब रे जमल चलो बैठो मेरे साथ, दस्तखान बिछाओ, कहाँ है, चलो बेबे आई, तुम टीवी देखोगे इस टाइम पर, क्या देखोगे टीवी में ऐसा, आज़मी चलो अपना हट्टा लेकर आओ, शान रमज़ान रेश आओ हट्टा लेकर आओ और बैठो मेरे साथ दोनों अच्छे बच्चों की तरह, गुड गर्ल्स। ओ वाओ, टेक अ लवली व्यू, आई लाइक इट, ला 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 ला। चलो कुछ आ रहा है क्या, रोशनी नहीं आती है, हवा तो बहुत प्यारी चल रही है जी। बेबे 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 प्यारे से बेबे, ओ हो हो हवा ही, as you can see, oh my god, lovely, take a lovely, oh ho ho, parinde bade pyare se, hey pigeon, chalo ji dua mangte hain, fir baad mein aapko saath dete hain iftari ke time par। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा वोज़ा खोल लिया है, अब रोज़ा खोलने के बाद अब खोलते हैं बिरयानी का दम। तो खैर चूल्हा तो मैंने काफ़ी देर पहले ही बंद कर दिया था, रोज़े से पहले, स्टीम तो उनमें से हू करके नहीं निकलेगी। बस मैं दिखा देती हूँ क्या इसकी शक्ल आई है, आउच देखती का ढक्कन गर्म है, मुझे लगा था इतना गर्म नहीं होगा, अब मैं दिखाऊँ कैसे दिखाऊँ। चलें जी ये रहा दम, दमा दम दम, और इसमें से सफ़ेद चावल निकालने पड़े थे अब रे जमल के लिए, यार ये लड़कियाँ नहीं खाती, मैंने बताया ना आप लोगों को, इनके लिए पहले मैं ऊपर से वाइट राइस निकाल लूँगी, आलू शालू का तो कोई मसला नहीं है, ये इनके लिए हो जाएगा, इनका ये कलर वाले छोड़ देती हूँ, ये थोड़े से वाइट राइस नहीं हूँ, ये लोग खाती नहीं है यार मसाले वाले चावल, अजीब दुनिया है भाई। चलो खैर है, ये हो गई है इसका, मैं खोलने लगी हूँ चम्मच चलाती हूँ, ओहो हो हो, ये तो बिल्कुल ऑयली बन गई है, दिल के मतलब कि उनको पसंद है, हमेशा चावलों में ना कम ऑयल रखती हूँ, ये देखें सी, हा मैं कम ऑयल रखती हूँ, इनको कहते हैं भाई तुम ज़्यादा ऑयल रखा करो, सी द राइस,
तुमको ज़्यादा ऑयल वाले पसंद हैं, मुझे कम ऑयल वाले पसंद हैं। अब इसको दोबारा से चूल्हा ऑन करूँगी, गरम करेंगे और फिर खाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो ये हो गई है ज़रा ठंडी। चावल अच्छे लगते हैं एकदम गर्मा गर्म, नज़र आ रहे ना, यम्मी अच्छी बनती है, हमेशा बनाती हूँ, अच्छी टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी होती है, मज़ा आता है खाने में। तो चलें, मगर इस बिरयानी का किस्सा कुछ यूँ है कि जो है ना मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, हमने मैट्रिक शादी किया है, उसका नाम है अनम हसन। तो मैं जब भी बिरयानी बनाती थी ना तो यार मेरी बिरयानी में ना कुछ मसले हो जाते थे, कभी जो ना प्याज ज़्यादा हो जाती थी तो वो मीठी बन जाती थी, और कभी प्याज कम होती थी टमाटर कम होते, तो मसे मैंने किचन मैंने सब साफ़ कर लिया है, सी किचन सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, आपको चेक करा दूँ ना, बिल्कुल चकाचक बर्तन धो लिए मैंने सारे। तो क्या होता था भाई, बड़े मसले हो जाते थे बिरयानी के साथ, बिरयानी नहीं आती थी बनानी, शादी के बाद की बात बता रही हूँ, बिरयानी नहीं आती थी बनानी, मसले मसाइल हो जाते। फिर मैं अनम थोड़ी दफ़ा फ़ोन करके पूछी थी, अनम बताओ इतने मेरे चावल की क्वान्टिटी है, बोल रहे मुझे ना टमाटर बताओ, मुझे प्याज बताओ, हर दफ़ा मैं उससे पूछी थी, जितनी बाहर में बनाती थी हर दफ़ा वो हर, और वो हर फ्राइडे को अपने घर में बिरयानी बनाती है, तो ना उसने मुझसे एक दफ़ा कहा, देखो सब आप प्याज कम दिया करो, प्याज का कोई टेस्ट नहीं होता, प्याज मीठा कर देती है, अगर तुम दो प्याजें लोगी ना तुम छः टमाटर लेना। तो बस ये मेरे दिमाग में बैठ गई, एकदम फिक्स हो के जाके चिपक गई मुझे क्वान्टिटी, दो प्याजें हमेशा, दो प्याजें आधा किलो में और छः टमाटर। तो मेरी बहुत अच्छी तुम्हारी बिरयानी बनेगी, और यकीन जाने ये मैंने वही तरीका अपनाया रखा है, और A1 मेरी बिरयानी बनती है। तो अनम दिस इज़ फॉर यू मेरी जान, आपने सिखाई हमने सीखी और हम हो गए वाह 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 अति उत्तम। ज़रूर देखेगी वो मेरा ये ब्लॉग। तो खैर चले भाई, अब हो गया है रुख्सत लेने का वक्त, आपसे लेते हैं रुख्सत, बच्चे कर रहे हैं TV इंजॉय, अबरिश एंड ज़िमल स्टैंड अप, हम वापस करेंगे व्यूअर्स को, चले खड़ी हो जल्दी से। अरे TV तुमने 3D बना के रखा हुआ है घर को, ओ माई गॉड, छोड़ के बंद करो TV को, तो इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है इसकी। अच्छा भाई चलो खड़े जाओ, अल्लाह हाफिज़ करते हैं भाई। आज तो हमारे पास यहाँ गेड़ी में कपड़े फैले हैं, हम अच्छा सा व्यू श्यू नहीं दिखा सकते, मगर हम यहाँ से दिखा सकते हैं, विंडो से भी बड़ा अच्छा रात का व्यू आता है। और मैं कायदे आज़म की मजाक की कहानी सुना रही थी, मगर वो किसी और दिन सुनाएंगे, कोई बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी बेटे, ओह माय गॉड, जिम्मी आ गई है मेरी गोद में हमेशा की तरह, आ जाओ भाई। हाँ जिम्मी ने करने कपड़े चेंज, आप रेस्ट, चले भाई अब हम खाएंगे खाना, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आएंगे कल आपके साथ एक और नया ब्लॉग, एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने। और भाई अबरिश की लाइन है, अम्मी और जिमल सबको भी बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा हमारे ब्लॉग्स देखें और हमें सपोर्ट करें, इसी तरह से हम आपके सामने आते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स और नई नई रूटीन और नई नई। अभी तो रमज़ान में ज़रा मेरी हिम्मत नहीं होती, सच्ची बात बताऊँ कहीं बाहर निकलने की, तो बस क्योंकि घर के घर ही घर है आजकल, तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो इंशाल्लाह कल फिर आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने। चलती हूँ, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम करेंगे अब मिलके अल्लाह हाफिज़।